ज़र और ज़ोर से बनाई हुई ये हुकूमत और ज़ोर और ज़र से बनाई हुई ये असेंबली जिसमें घुस बैठिए। मैं जिस हलके से जीता हूँ कौमी असेंबली का इलेक्शन उसके करीब ही मोहतरम नवाज शरीफ साहब हारे हुए हैं डॉक्टर यास्मीन से, वो पापाए रोम बन के बैठे हुए हैं। उनके भाई साहब शहबाज शरीफ हारा हुआ है, वो आज वज़ीर आज़म है। ख्वाजा आसिफ हारा हुआ है, जो वहाँ शर्म और हया की बातें कर रहा था, वोट को इज्जत देने की बातें कर रहा था, रिहाना डार से हारा हुआ है वो, और बुरी तरह हारा हुआ है। वो आज भाषण दे रहा था, 100 हमारे जो है फॉर्म 47 के ज़रिए ये घुस बैठिए बैठे हुए हैं असेंबली में, यानी 17 सीटें वाला, 17 सीटों वाला 17 मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ 17 सीटें जीती हैं पाकिस्तान में। वो वज़ीर आज़म है और हुकूमत है उनकी, और 180 नशिस्तें जीतने वाला इमरान खान आज कैद तन्हाई में, पाबा सलासल में, अडियाला जेल में, उसकी बत्ती बंद कर दी जाती है, उसकी मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं, उसके साथ जुल्म रवा किया जाता है, उसकी बीवी को अंदर किया हुआ है, उसकी बहनों को अंदर कर दिया गया है, उसके भतीजे को भांजे को अंदर किया हुआ है। ये माशाल्लाह अगर वो इस तरह से समझते हैं कि इमरान खान को तोड़ देंगे तो 25 करोड़ आवाम को तोड़ना पड़ेगा आपको, फिर वही होगा जो याह्या खान ने कहा था 1971 में, आई वॉन्ट द सॉयल ऑफ बंगाल माइनस द बंगालीज। तो फिर अगर आपको पाकिस्तान माइनस 25 करोड़ आवाम से पाकिस्तान पे हुक्मरानी करनी है तो माशाल्लाह ये ऐवान बैठे हुए हैं। मैं जो ड्रामा देखता रहा हूँ कौमी असेंबली में, आप हैरान होंगे कि जिस तरह से तशद्दुद किया गया है, जिस तरह से हमारे मेंबर कौमी असेंबली को उठाया गया है, खान साहब ने उसकी दास्तान सुना दी है और आपने TV पर भी सारी सुन ली है। आपके साथ जो जुल्म और जबर हुआ है मीडिया के साथ, यानी आवाज़ को बंद कर दिया गया है, हमारे लिए एक कंटेनर स्थान बना दिया गया है। आप अगर देखें तो मुझे एयरपोर्ट तक जाते हुए ज़्यादा टाइम लगा लंदन जाते हुए इतना टाइम मुझे नहीं लगा था। तो ये आप अंदाज़ा करें कि इस बेहयाई और जिठाई के साथ अगर आप 26वीं तरमीम करते हैं, और 26वीं तरमीम नोटिफाई भी हो चुकी है ऑफिशियली, सदर साहब ने असेंट भी दे दी है उसकी और वो नोटिफाई कर दिया गया है, तो ये एक और काविश है जो अदलिया को ग़ुलाम बनाने की है। पहले भी मेरा सर जो है आपके सामने है, 26 टांके आज भी आपको नज़र आ रहे होंगे, 2000 जब इफ्तिखार चौधरी को, जब हमारे चीफ जस्टिस को खींचा गया था बालों से इस KPK हाउस में, इस सिंध हाउस में, तो भी हमने तहरीक चलाई थी, और वहाँ से आप देखें कि जो शख्स मुक्के दिखाता था कि देखिए मेरी ताकत, वो जब वकला काला कोट निकला है और उसके पीछे अवाम ने तायीद की है तो फिर खशो खासाक की तरह बह गया है, और उसकी जो है जस्द खाकी बाद में मरने के बाद पाकिस्तान में आया। लेकिन शर्मनाक उस इदारे को मैं कहता हूँ, समझता हूँ कि उसको उन्होंने वो दिया, यानी ऑफिशियल वो दिया, हालांकि वो कंडेम्ड प्रिजनर था जिसने आइन तो शिकनी की थी। अब भी आइन शिकनी हो रही है। ये इस असेंबली को ना तो ये अख्तियार था कि ये लेजिस्लेशन आम करें, ना इनको अख्तियार था ये आइन को तरमीम करने का अख्तियार था। ये इन्होंने बुलडोज किया है, और जिस तरीके से खान साहब ने बताया कि हमारे ही सेनेटर्स और MNAs को उठाया गया, उनके बीवी बच्चों माओ बहनों बेटियों को उठाया गया और उनकी जो है वीडियोस बना के और ब्लैकमेल किया गया, मुझे बताएं इस तरह से इंसानियत का भी इंसानियत सोच सलूक किया गया है। मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान सारे को उन्होंने एक गैरिजन स्टेट बना दिया है। पहले हम इसे पुलिस स्टेट कहते थे, अब ये गैरिजन स्टेट है, और ये किस जोम में बैठे हुए हैं। और भाई तुम्हारे पल्ले कुछ है भी, पहले पूछे तो सही, शहबाज शरीफ के पल्ले या नवाज शरीफ के पल्ले या मरियम बीबी के पल्ले या वो जो है मुफ्ती साहब हैं, इनके पल्ले कुछ है? और इनको तो वजीर ख़जाना भी दिया गया है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा करें कि वकला ने जो अज़्म किया है, हमने पहले भी जो है तहरीक चलाई थी और बड़ी मुश्किल से, बड़े खून देकर और पाबा सलासल होकर
हमने अदलिया को आज़ादी दिलाई थी, एक आज़ाद अदलिया ही आइन का तहफ़ कर सकती है, बुनियादी हकूक़ का तहफ़ करती है। कुफ्र की जो रियासतें तो चल सकती हैं, बेइंसाफ़ी की और जुल्म की रियासत नहीं चला करती है। खुदा का खौफ करो, 1971 के सानहे से कुछ तो सबक सीखो, कुछ तो सबक सीखो। उस वक्त भी आपने धुतकारा था आवाम के मैंडेट को, आज भी आप धुतकार रहे हैं आवाम के मैंडेट को। आज आप समझते हैं कि इस तरह से मुसल्लत करके और इस तरह से जो है ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर आप असेंबली बनाकर और हुकूमत को इंस्टॉल करके तो ये हुकूमत चला लेंगे, रियासत चला लेंगे। और वो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है, जो हार्ट थ्रॉब है पाकिस्तान का, इमरान खान, उसको आपने जेल में रखा हुआ है और तमाम तर ख्वाहिश की जा रही है कि उसको ब्रेक किया जाए किसी तरीके से। मगर वो शेर का बच्चा वो कहता है कि मुझे ये इन्होंने कह दे तन्हाई जो दी है, इससे मैं हज़ार गुना ज़्यादा स्पिरिचुअली, फिज़िकली और मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग हुआ हूँ, यानी रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और मैं ज़हनी तौर पर इसमें हज़ार गुना ज़्यादा पहले से मजबूत हूँ। ना मैं डील करूँगा, ना मैं इन चोरों लुटेरों की तरह भाग कर मुल्क छोड़ कर ज़रूर महल में जाऊँगा। मेरा जीना मरना इसी धरती में है और मैं आवाम को सही आज़ादी दिला के रहूँगा, चाहे मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें ही क्यों ना फिरा लें। ये है वो, मैं समझता हूँ, अज़्म, ये है वो जज्बा जिसकी कदर करनी चाहिए। आज अगर इमरान खान जेल में ये मुशक्कतें और सहूबतें बर्दाश्त कर रहा है तो वो आपके लिए कर रहा है, वो पाकिस्तान के आवाम के लिए कर रहा है, हमारे बच्चों के लिए, बच्चों की बच्चों के लिए, नस्लों के लिए कर रहा है। आओ उसका साथ दो, उसका साथ दो। अगर सही माने में मुल्क को आज़ाद करवाना है तो मैं समझता हूँ कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये जो ज़र और ज़ोर से ये जो फ्रॉड किया गया है, ये जो पास किया गया है, हम इसको फ्रॉड करते हैं। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो मूवमेंट है और ये जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये वकला के बिहाफ पे की है, इसमें किसी सियासी जमात का कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जाम्पल ज़िमनन दी गई हैं, हम सब पार्टी से अबव होकर आइन के लिए और अदलिया के लिए इंशाल्लाह ताला लड़ेंगे।